हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी नीट। हाय एवरीवन, कैसे सभी? बहुत बढ़िया। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून अरमान, गुड आफ्टरनून रूबी, इवन आई मिस यू बच्चा। आप सभी लोगों का सेशन अगर नहीं हो पाता है तो उसका उतना ही बेहद दुख हमें भी उतना ही होता है, क्योंकि एक आदत सी रहती है कि चलिए हमारे बच्चे जो हैं वो हमसे पढ़ रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं। तो भाई, जितने भी स्टूडेंट हैं, गुड आफ्टरनून नायक, जितने भी स्टूडेंट हैं, प्लीज़ सेशन के बारे में जाके अपने फ्रेंड सर्कल में बोल देंगे कि मैम जो है वो आ चुके हैं। और आपकी मैम का नाम है डॉक्टर पूजा व्यास, जो कि है PhD इन बॉटनी। बच्चा देखिए, थोड़ा सा क्या है, कभी कभी कोई टेक्निकल इशू हो जाता है तो एक कभी कभी हमें कोई क्लास जो होता है उसको रखना पड़ता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी क्लासेस नहीं होंगी, वो हमेशा होंगी। 1 to 2 PM आपके बायोलॉजी की क्लास होती है, होगी और होती रहेगी तब तक जब तक कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है? तो ये टाइम जो है वो नोट डाउन करके रखेंगे आपके टाइम टेबल में, राइट? चलिए, और इसी के साथ में याद रखना है क्या, 6 to 7। देखिए, 6 to 7 अल्टरनेट डेज में हमारी होती है स्पेशल क्लास, जहां पर हम डिस्कस करते हैं क्या, हम डिस्कस करते हैं MCQs। जो कोई भी बच्चा ऐसा चाहता है कि वो हमारे साथ में जुड़े, हमारे साथ में फ्री में सेशन अटेंड करे, हमारे साथ में पोल खेले, MCQ सॉल्व करे, तो वो सभी मेरे स्पेशल क्लास को ज्वाइन करेंगे। फैंटास्टिक 50 की सीरीज हमने वहां पे चला रखी है, जहां पे हम चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज एंड फुल सिलेबस के टेस्ट लेते हैं। तो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं फ्री में ये सेशन को ज्वाइन करने के लिए, उनको कोड अप्लाई करना होगा व्यास, VYAS व्यास, अपने आप को एनरोल करने के लिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती है बच्चे, आप कोई पेमेंट आपको चार्ज नहीं किया जाता है। आप अपने आप को जाके एनरोल कर सकते हैं और मेरे प्रोफाइल को वहां पे फॉलो करेंगे। अब बोलेंगे कि मैम प्रोफाइल कहां से फॉलो करें, तो बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां पे जाकर मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? वेरी गुड, राधे राधे निशांत। अच्छा, आपको नायक आपको चाहिए ऑन सेल, मेंटी चाहिए, ठीक है नायक। वैसे मैं सेल का क्विज रखने वाली हूँ आपका कल। कल क्या डेट है? 2nd of July है, तो 2nd of July को स्पेशल क्लास के अंदर हम सेल जो है उसका पूरा एक अच्छा खासा क्विज रखेंगे। आप चाहें तो वहां पे आके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। कल 6 to 7 वो क्लास होगा सेल से रिगार्डिंग, ठीक है? तो सेल आप मेरे साथ में वहां पे डिस्कस सकते हैं ना, डिस्कस कर सकते हैं। नायक, रुचि गुड आफ्टरनून, दीपी गुड आफ्टरनून, रूबी, चलिए प्रतीक गुड आफ्टरनून, एवरीबॉडी गुड आफ्टरनून। देखिए, हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा था डाइजेस्टिव ग्लैंड, उसको हम स्टार्ट करेंगे आज। हमारी लास्ट लीवर एंड पेनक्रियाज है, उसको डिस्कस करना है। बट उससे पहले देखिए, कुछ बैचेस हैं जो लॉन्च किए हैं अकेडमी ने। शिखर बैच है 2022 के लिए, मिशन बैच है 2022 के लिए, ये श्रेष्ठ बैच है, ये आपका 30 जून से स्टार्ट हुआ है, कल से ही ये 23 के लिए है बैच, और संजीवनी बैच है। तो देखो, आप इन सभी को ज्वाइन कर सकते हो। आपको जो कोड अप्लाई करना होगा, दैट इज व्यास। व्यास जो है वो मेरा क्या है, सरनेम है। और अभी हमारा भी एक प्लस कोर्स जो है वो ऑलरेडी रनिंग है। ये जो प्लस कोर्स है, इसमें अभी हम लोगों ने सेल कंप्लीट किया है और अब हम उसमें एनिमल टिश्यू स्टार्ट कर रहे हैं, एनिमल टिश्यू। तो आप मुझे वहां ज्वाइन कर सकते हैं। वो क्लास भी 6 to 7 होती है अल्टरनेट डेज के अंदर, ठीक है? तो एक दिन स्पेशल क्लास होगी तो एक दिन प्लस क्लास होगी, आप वहां ज्वाइन कर सकते हो। एनिमल टिश्यू हम वहां स्टार्ट कर रहे हैं, तो व्यास कोड अप्लाई करोगे तो बच्चे 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए, आइकॉनिक बैच है, आप इनको ज्वाइन करिए। 30 जून तक ऑफर था आपके पास में, जहां पे आपको नोट्स भी अवेलेबल हो रहे थे। ये कुछ कॉम्बो सेल है, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, यहां पे कुछ एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलते हैं, ठीक है? और अनअकैडमी देखिए, अब आपको फाइनेंशियली भी असिस्ट कर रहा है, जुड़ जाइए। अनअकैडमी कॉम्बैक्ट है, ये हर संडे को होने वाला स्कॉलरशिप टेस्ट है। अगर आप इसको देते हैं तो अगर टॉप 3 में रहेंगे तो आपको मिलेगी 100% स्कॉलरशिप। कोड आपको अप्लाई करना होगा व्यास। तो ये थी जरूरी जानकारी जो जनहित में जारी थी, और काफी बच्चे अब हमसे जुड़ गए हैं। अरविंद गुड आफ्टरनून बच्चा, सूरज गुड आफ्टरनून, एवरीबडी गुड आफ्टरनून।
बायोमोलिक्यूल्स क्लास बच्चा दिले, बायोमोलिक्यूल्स का क्लास जो है हम प्लस क्लास में आफ्टर एनिमल टिश्यू करने वाले हैं, तो जुलाई के एंड के अंदर हम लोग जो है बायोमोलिक्यूल वहां पे स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर जो है वो आपका कंटिन्यू रहेगा अभी एनिमल फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी। आज एनिमल फिजियोलॉजी हमारा डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो चल रहा है, ग्लैंड हम डिस्कस करेंगे, विद इन 2-3 डेज में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि हमें रिविजन भी करना है, तो हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का रिविजन भी करेंगे यहाँ पे। बट अभी इसके बाद में हम प्लांट फिजियोलॉजी का एक चैप्टर लेंगे, तो 1 1 1 1 हर साइड से लिया जाएगा ताकि आपका पैरेलली बॉटनी एंड जोलॉजी जो है ना वो एक साथ साथ में कंप्लीट हो जाए, ऐसा आपको नहीं लगे कि केवल जोलॉजी ही पढ़ रहे हो बॉटनी की क्लास नहीं हो रही है। तो आपके अल्टरनेट हम ऐसे लेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है, एक एनिमल आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी से तो एक आपका प्लांट फिजियोलॉजी से, तो मजा आएगा खूब। हम लोग ने पूरा प्लानिंग पूरा स्ट्रेटेजी प्लान कर रखा है मैम ने क्लास का, तो आपको बस करना क्या है मुझे फॉलो करना है। ओके चलिए, तो जितने भी बच्चे हैं ना आप अपने फ्रेंड सर्कल में बोल दीजिए कि मैम आ चुके हैं। चलिए डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं विद द लीवर। देखिए हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड कर ली है सारी, ठीक है, जिसमें से हमने क्या बोला, तीन ऐसी डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं जो कि आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक से बाहर होती है, जिसमें आपने सलिवरी ग्लैंड पढ़ी थी, अभी सेकंड जो है वो आपकी लीवर है, थर्ड हम इसमें पढ़ेंगे पैनक्रियास, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं लीवर, लीवर जो है ये क्या है अगर आप इसको बोलोगे तो बोलचाल की भाषा में इसी को हम क्या बोलते हैं, कलेजा बोलते हैं, यही है आपका जिगरा। बोलते हो ना फिल्मों में डायलॉग सुना है, तेरे में जिगरा है क्या, तेरे में अगर जिगरा है तो चल करके दिखा ये काम, ऐसे बोलते हैं ना, हाय वो मेरा कलेजा ही कट के ले गया। अरे कलेजा क्या, किसको कह रहे हो, किसको जिगरा, तो देखो एक्चुअल में फिल्मों में तो क्या है, दिल जिगर तू ही है, दिल और जिगर एक ही चीज होती तो दोनों को अलग अलग क्यों बोलते, सोचो गाने को क्या बोला गया, दिल और जिगर दोनों अलग अलग चीजें हैं तभी बोली गई है, राइट। तो यहां पे दिल जो है ना, दिल को जिगर नहीं है, जिगर जो है वो आपका लीवर है, कभी सोचा था ये चीज नहीं, तो लीवर जो है इसको नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम जिगरा या कलेजा भी कहते हैं, राइट। तो ये वो कलेजा है जो क्या है, वो आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड है। तो हर कोई बच्चा जो छोटे से छोटा हम बोलते हैं ना छठी सातवीं का बच्चा है जो साइंस पढ़ना शुरू किया है और जो अभी जिसको बायोलॉजी धीरे धीरे डाइजेस्टिव ट्रैक के बारे में पढ़ रहा है, सब किसी को हर किसी को मालूम है, कोई भी अगर पूछे तो आपको अगर बोले कि सबसे बड़ी ग्लैंड आपकी कौन सी है तो आप बोलते हो लीवर, सबको पता है। तो ये क्या है, आपकी लार्जेस्ट ग्लैंड है कि नहीं है, लार्जेस्ट आपकी ग्लैंड है ये, ठीक है। अब बोलोगे मैम ग्लैंड है, ग्लैंड है तो ग्लैंड तो क्या करती है, एंजाइम सिक्रेट करती है, ऐसे ही बोलते हो कि नहीं, यस बोलते हो कि नहीं, कि ग्लैंड तो क्या करती है, यहां पे हमारे पास में एंजाइम सिक्रेट करती है, तो क्या ये लीवर भी एंजाइम सिक्रेट करता है, तो हम क्या बोलते हैं, नो 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 नो, लीवर जो है ये आपके एंजाइम सिक्रीट नहीं करते। हमने क्या बोला था, हमने बोला था उन सभी को, हमने बोला एसेसरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड वो जो अपने सिक्रीशन से डाइजेशन को हेल्प करेगी। हमने ये थोड़ी ना प्रॉमिस किया था, हमने ये कहीं पे भी प्रॉमिस नहीं किया था कि ग्लैंड वो है जो एंजाइम सिक्रीट करती है, हमने बोला ग्लैंड वो है, डाइजेस्टिव ग्लैंड या एसेसरी ग्लैंड वो है जो डाइजेशन में हेल्प करती है। तो हम बोलते हैं नो एंजाइम, यस नो एंजाइम बट हेल्प, हेल्प करती है, हेल्प इन डाइजेशन, ये क्या कर रही है, डाइजेशन के अंदर आपको हेल्प कर रही है, दैट्स व्हाई आपने इनको बोला है डाइजेस्टिव ग्लैंड या फिर एसेसरी ग्लैंड। कहानी समझ में आ रही है बच्चा, क्रिएटर राहुल गुड आफ्टरनून बच्चा, देखो कहानी समझ में आ रही है कि आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हमने लीवर जो है उसके बारे में दो चार जानकारियां हासिल कर ली, हमने बताया लीवर क्या है, लीवर जो है आपका कलेजा जिगरा है, लीवर क्या है, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, लीवर क्या है, लीवर कोई एंजाइम सिक्रीट नहीं करती है बट ये हेल्प करती है डाइजेशन में, इसीलिए हमने लीवर को क्या बोला, हमने लीवर को डाइजेस्टिव ग्लैंड बोला, इसीलिए बोला है, ठीक है। चलिए अब आप पूछोगे मैम लीवर कहां है, तो भैया डाइजेस्टिव ट्रैक बनाते हो तो वो तो आपने देखा ही है, ये देखो ये रेड कलर का बड़ा सा हिस्सा आप बता रहे हो, क्या है ये लीवर ही है, लीवर है कि नहीं है, ये लीवर ही तो है, ये देखो ये बड़ा सा आप रेड कलर का दिखा रहे हो, ये लीवर है। तो पोजीशन कोई पूछेगा तो ऐसे बोलोगे, हम तो इधर बना देते हैं इसको, है ना, हम ऐसे थोड़ी ना बोलोगे, आप क्या बोलोगे, अगर हमें क्या बनाना पड़ेगा ऐसी कंडीशन के अंदर, हमें एक आदमी बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल हम एक आदमी बनाएंगे और फिर समझाएंगे इस लाइन को ताकि आपको याद रहे। ये लीजिए हमने रेड कलर का आदमी बनाया, बाकी सब येलो येलो हो रखा है, तो हमने थोड़ा सा यहाँ पे बना दिया, ये लीजिए हैंड, ये इसके हाथ बना दिए, ये मुंडी है इसकी, ठीक है। चलो
अब हम क्या बोल रहे हैं, इसका जो बीच का पोर्शन है, बॉडी जो है, उसको हमने दो पार्ट में बांट दिया, ये बांट दिया, ये ऊपर वाला क्या है थोरेसिक, नीचे वाला क्या है एब्डोमिनल कैविटी। अब ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आप क्या देखते हो, ये लो मैंने हिस्से में बांटा, ये क्या बोलना चाह रहे हैं हम बोलना चाह रहे हैं कि यहां पे कहीं आप लीवर बनाते हो, ये लीजिए लीवर बनाया आपने, ये है आपका लीवर, ठीक है, ये है आपका लीवर। अब ये जो लीवर है ये कहां पोजिशन है, देखो एब्डोमिनल कैविटी में है, यस इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, हमने बिठा दिया एब्डोमिनल कैविटी में, जस्ट बिलो द डायग्राम डायफ्राम, ये देखो ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम है जो थोरेसिक चैंबर को और एब्डोमिनल चैंबर को डिवाइड कर रहा है, ये डायफ्राम है आपका, ये लीजिए मैं इसको शो कर देती हूं भैया, ये तुम्हारा डायफ्राम है, ठीक है, ये लीजिए डायफ्राम बना दिया, ठीक है। तो ये जो डायफ्राम इसके जस्ट नीचे है, बिल्कुल बिलो द डायफ्राम, बिल्कुल। फिर हम क्या बोल रहे हैं, किधर है देखो, राइट साइड में एब्डोमिनल कैविटी के अपर राइट साइड में, ये देखो अपर, ऊपर वाला ना नीचे वाले हिस्से में तो कुछ नहीं बनाया, तो ये अपर वाला हिस्सा है और राइट साइड हमारा ऐसा ही तो होता है, ये हमारा बॉडी है, तो ये वाला हिस्सा हमारा राइट है और ये वाला हिस्सा हमारा लेफ्ट है, ऐसा ही है। तो कहाँ सिचुएटेड है, देखो बस यहाँ पे पोजिशन आपको समझ में आ गई है, पोजिशन क्या है इसकी, सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड किधर टुवर्ड द अपर राइट साइड, अपर राइट साइड के अंदर ये प्रेजेंट होता है, ये देखो अपर राइट साइड के अंदर हमने बना दिया, तो ये उसकी जगह है, कहां पे ये है। अभी बोलोगे कि कैसा दिखता है, तो ये डार्क रेडिश ब्राउन कलर का आपको दिखाई देता है, ये देखिए डार्क रेडिश ब्राउन कलर का, इसीलिए पिक्चर भी लाए हम, डार्क रेड कलर का लेके आए हैं ना, ब्राउनिश कलर होता है इसका। वजन अगर हम इसका देखें तो ये होता है आपका 1.5 किलो के आसपास, ये 1.5 किलो के आसपास होता है इसका वजन लीवर का, ठीक है। अभी बोलो लीवर के बारे में और जानकारियां, लीवर के बारे में और हमें बहुत सारी जानकारियां लेनी है, बिल्कुल लेनी है। अभी कैसे लेंगे, अभी हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो लीवर होता है इसको बाहर से जब दिखाया जाता है, ये देखो दिखाया जाता है, तो आप क्या बोलते हो कि इसके अंदर दो लोब होते हैं, लोब होते हैं कि नहीं होते, ये एक लोब तो आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है, एक लोब आपको ये नजर आ रहा है, दो लोब आपको नजर आ रहे हैं, 1 एंड 2। तो आपने क्या बोला कि जो लीवर होता है वो दो लोब में बटा है, अब इसको कैसे समझोगे, कैसे समझोगे, तो देखो एक्चुअल में क्या है कि ये आपके अपर एब्डोमिनल कैविटी में राइट साइड में प्रेजेंट है, तो अगर ऐसे ही प्रेजेंट रहेगा तो गिरना चाहेगा नीचे, गिर गया धड़ा नहीं, लेकिन अगर कोई चीज है उसको मैं यूं बांध दूं ऊपर से तो वो आराम से लटका रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल लटका रहेगा। तो भैया जब ये डायाफ्राम पे यहाँ पे क्या चिपका है, तो जब ये डायाफ्राम पे यहाँ चिपका है तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे आपको कुछ लीगामेंट देखने को मिलते हैं, जरा वो लीगामेंट बताएं आपको, ये देखो अपर साइड में मैं यहाँ येलो कर रही हूँ, देखो डायग्राम के अंदर पिक्चर में येलो कलर का मैंने कर दिया, इसको किया कि नहीं किया, ये क्या है, ये है आपके लीगामेंट, ये है लीगामेंट, ठीक है। तो ये जो लीगामेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं फैलसी पैरम, ये आपके फैलसी पैरम जो है लीगामेंट है। अब ये लीगामेंट क्या करते हैं, ये लीगामेंट एक्चुअल में ऊपर से डायाफ्राम से जुड़े हैं, तो ये क्या करते हैं बांध लेते हैं इस लीवर को ताकि ये उसमें लटका रहे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, ठीक है। तो एक्चुअल में ये आपके अपर राइट साइड के अंदर डायाफ्राम से लीगामेंट के थ्रू जुड़ा रहता है। अभी लीगामेंट क्या कर रहा है, लीगामेंट इसको बांध रहा है। अभी सोच के देखो, अगर आपने कोई बैलून लिया है, बैलून लीजिए और उसको बहुत ज्यादा नहीं फुलाइए, हल्का सा फुलाइए उसको बैलून को, और ऊपर से बीच में से पकड़ के उसको पिचकाइए, तो जैसे पिचकाओगे तो देखोगे एक साइड में आधा बैलून हो जाएगा, आधा बैलून एक साइड में हो जाएगा, होगा कि नहीं, ऊपर से जब आप उसको दबाओगे तो बैलून आधा हो जाएगा। अब इसको और एग्जांपल अगर देखना चाहो तो घर में वो हो गया ना कुशन वाले पिल्लो होंगे, उसको भी ऊपर से एक रस्सी बांधो और उसको पिचकाओ, ऊपर से दबाने की कोशिश करो, जब ऊपर से दबाओगे तो देखोगे क्या दो उसके अंदर क्या हो जाएंगे, आपको डिवीजन नजर आएंगे, वो दो पार्ट के अंदर बट जाएगा, बटेगा कि नहीं बटेगा, बटेगा कि नहीं बटेगा, बिल्कुल बट जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, तो हम आपको बोल रहे हैं कि इस तरह से वो बट जाएगा दो पार्ट के अंदर। तो ये क्या है, यही तो वो दो लोब है जो आपको ऊपर से नजर आ रहे हैं, जिसको आप राइट लोब और लेफ्ट लोब कह रहे हो, जिसको आप क्या कह रहे हो, राइट एंड लेफ्ट लोब आप इसको कहते हो, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल। तो नॉर्मली आप देखते क्या हो, आपको बहुत बड़े साइज के अंदर राइट एंड लेफ्ट लोब जो है वो नजर आते हैं, दो बड़ा साइज के अंदर आपको राइट वाला साइड दिखाई देता है और एक छोटू सा आपको लेफ्ट वाला दिखाई देता है। तो जरा देखो इसको, अभी इस पिक्चर के अंदर नजर आते हैं, देखो इसमें सारे आपको लोब नजर आ जाएंगे, ठीक है। अभी लोब देखो क्या है, ये तो आपको यहां पे नजर आ रहा होगा लेफ्ट लोब, ये लोब नजर आ रहा है आपको लेफ्ट में, चलिए इसको थोड़ा सा हमें ब्लैक कलर यूज कर लेते हैं, ये देखो ये जो आपका लोब है, दिस वन इज द लेफ्ट लोब, ये लेफ्ट है, ठीक है। ये डिवीजन किसकी वजह से हुआ, ये आपके फैलसी पैरम जो लिगामेंट था उसने दबाया ना, तो उसकी वजह से ये सेपरेशन हो गया। और ये देखो बड़ा सारा आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, ये इसका राइट लोब है, ये इसका क्या है, राइट लोब है, ठीक है। अभी देखो, अभी इसके बारे में और चीज बात करेंगे, हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो दोनों लोब
होते ना इसमें आप देखोगे कि 5/6 हिस्सा मतलब मैक्सिमम पोर्शन राइट साइड में है और 1/6 हिस्सा जो है वो आपके लेफ्ट साइड के अंदर होता है, ठीक है। यानी राइट साइड आपका बड़ा है, लेफ्ट साइड छोटा है। फिर आपसे पूछा जाता है, कई बार क्या होता है कि रीजनरेशन के बारे में बात आती है, हमें बोला जाता है कि हमारे अंदर रीजनरेशन बहुत कम देखने को मिलता है। बिल्कुल, हमने इवोल्यूशन किया, पर हमने इवोल्यूशन जब किया तो हमारे अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आए जिसकी वजह से हमारा लेबर डिवीजन हो गया कैसा, हायर लेवल का। जब हायर लेवल का लेबर डिवीजन हुआ तो अब हमारे अंदर जल्दी से रीजनरेशन नहीं हो सकता। जैसे हमारी नर्व सेल्स जो होती है उसके पास सेंट्रियोल नहीं है, वो रीजनरेट नहीं हो सकती, उसमें रीजनरेशन नहीं आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन लीवर हमारा पास में एक ऐसा है जिसके अंदर रीजनरेशन हमें देखने को मिलता है, इसके अंदर हमें रीजनरेशन जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे, रीजनरेशन है। फिर देखो, ये अगर आपने स्ट्रक्चर इसका देखा तो राइट एंड लेफ्ट आप बोल रहे हो, लेकिन फिर भी इसमें आपको और भी दो लोब और नजर आएंगे। तो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, इसमें चार लोब होते हैं, ठीक है, इसमें चार हमें लोब नजर आते हैं। बट इतना डिटेल हमारे एनसीईआरटी में हमें दिया नहीं है तो हम उस कहानी को यहां पर नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। पर आपको याद, अभी लेफ्ट एंड राइट दो ही लोब के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। अब आप बोलोगे क्या ऐसा ही है, ये ऐसी ही पिक्चर नजर आती है, तो हम बोलेंगे नहीं भैया, ऐसी पिक्चर नजर नहीं आती, इसमें बहुत सारी कहानी है, उस कहानी को आपको जानना होगा। बिल्कुल, उस कहानी को हम आपको बताते हैं। जैसे कि अब हमने क्या करना है, हमें आपको बताना है कि ये ऊपर से सराउंडेड है, अभी हम इसको सराउंडेड दिखाना है, ये ऊपर से एक कवरिंग इनमें पाई जाती है, उस कवरिंग को हम दिखाना चाह रहे हैं। तो हमने बोला इस लीवर के ऊपर एक कवरिंग होती है, ये कवरिंग हमने बना दी। क्यों बनाई हमने ये कवरिंग, ये हम बताना चाहते हैं आपको कि ये आपकी पेरिटोनियम है। अब पेरिटोनियम क्या बोलोगे, तो बच्चा जब मैं आपको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट समझा रही थी तो वहां पे मैंने आपको क्या बोला कि कुछ ऑर्गन होते हैं जो एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, बताया था कि नहीं बताया था। तो ये आपका लीवर भी कहां है, एब्डोमिनल कैविटी में है, और जो एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होगा वो सभी बॉडी वॉल से सराउंडेड होंगे कि नहीं होंगे। जैसा कि आपने डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है उसमें सिरोसा देखी, सिरोसा क्या था, आपकी जो बॉडी के वॉल है वही तो क्या हो रही है, एक्सटेंड करके चारों तरफ से उसको घेर के प्रेजेंट है कि नहीं है, वो सिरोसा बना रही है, ठीक है, जिसको आप मीजोथीलियम कह रहे हो। यहां पर भी बॉडी वॉल जो है वो चारों तरफ से इसको कवर किए हुए प्रेजेंट है लीवर को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। तो ये आपका क्या है, पेरिटोनियम की कवरिंग है जो उसको चारों तरफ से कवर किए हुए प्रेजेंट है। आपका एब्डोमिनल का हम बोल रहे हैं कि ऑर्गन है तो ये बॉडी वॉल से कवर होगा ही होगा, तो ये पेरिटोनियम से कवर है। बट इसके नीचे आपको एक कवरिंग देखने को मिलेगी, अभी वो कवर और बना देते हैं हम, बिल्कुल बनाएंगे। ये लीजिए, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो ये लीवर होता है ना, दैट इज सराउंडेड बाय ग्लीसन कैप्सूल। अब ये तो हर किसी को याद है, चमकीला सा होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में जितने भी इसके ये लोब है, आप ये बोलोगे, आप जो इसके हमारे पार्ट हैं लेफ्ट एंड राइट, ये आप क्या देखते हो, दैट इज सराउंडेड बाय द ग्लीसन कैप्सूल। ये ग्लीसन कैप्सूल जो होता है इससे सराउंडेड रहते हैं, चमकीला सा है, उसकी एक लेयर जो है इसके ऊपर पाई जाती है। अब ये ग्लीसन कैप्सूल क्या होता है, एक्चुअल में ये अंदर की तरफ इस तरह से अंदर की तरफ जो है कई सेप्टा बना लेता है, ये अंदर की तरफ इस तरह से कई सेप्टा बना लेगा, सेप्टा बना लिया, ये सेप्टा बना लिया इसने, ये अंदर की तरफ खुद ही ग्लीसन कैप्सूल जो है अंदर की तरफ धंसा हुआ है, सेप्टा बना रहा है। तो इसके ये सेप्टा बनाने की वजह से क्या होते हैं, कई लोब्यूल बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, कई लोब्यूल बन जाते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा लीवर जो है वो कई लोब्यूल का बना है, और इन लोब्यूल को हम क्या बोलते हैं, इन लोब्यूल को ही हम हिपेटिक लोब्यूल बोलते हैं, इनको ही हम क्या बोलते हैं, हिपेटिक लोब्यूल। तो आपने क्या देखा, लीवर दैट इज सराउंडेड बाय द ग्लीसन कैप्सूल, और वो ग्लीसन कैप्सूल जो है वो क्या है, अंदर सेप्टा बना रहे हैं, सेप्टा की वजह से कई लोब्यूल वहां पे कंपार्टमेंट जैसे बन जाते हैं, और ये कंपार्टमेंट होते कैसे है, स्ट्रक्चर में ये होते हैं पॉलीगोनल। ये कैसे होते हैं, ये जो लोब्यूल है ये कैसे होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं, ठीक है, पॉलीगोनल। अभी देखो ये जो हिपेक्टिक लोब्यूल है, आपसे पूछा जाता है कई बार, आपसे कोई पूछे ना कि कवरिंग कहां पे है, ग्लीसन कैप्सूल लीवर बोलेंगे तब भी सही है कि नहीं, और क्योंकि एक्चुअल में बना किसे है, लीवर, लीवर का ही ऐसे हिपेक्टिक लोब्यूल से बना है। पर ये हिपेक्टिक लोब्यूल बनी ना पति, अगर ग्लीसन कैप्सूल अंदर की तरफ सेप्टा नहीं बनाता तो एक्चुअल में उस ग्लीसन कैप्सूल ने किसको कवर किया, उसने इन हिपेक्टिक लोब्यूल को चारों तरफ से कवर कर लिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिपेक्टिक लोब्यूल दैट इज सराउंडेड बाय, ये लीवर दैट इज सराउंडेड बाय, किससे घिरा होता है, तो वो ग्लीसन कैप्सूल से घिरा रहता है, ठीक है कहानी, यस याद रहेगा, बिल्कुल मैम जी, हाँ। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं, हिपेटिक लोब्यूल के लिए हम ये बोल रहे हैं कि ये आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लीवर का, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्यों बोला, क्योंकि जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो हम बोलेंगे ऐसे ही कई सारे हिपेटिक लोब्यूल है, अगर नंबर बताऊंगी तो बोलोगे आउट ऑफ द एनसीईआरटी हो गया, बोलोगे कि नहीं, 50,000 से लेकर 1,00,000, अरे बाप रे,
बताओ कि इतना नंबर हमें याद ही नहीं करना, एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है, तो छोड़ दो इस चीज को। तो स्ट्रक्चर बनाया कि नहीं बनाया, हमें तो सिर्फ ये लाइन बतानी है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर कौन है। तो हिपेटिक लोब्यूल जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है, और यही हिपेटिक लोब्यूल होते हैं जो फंक्शनल भी है। क्यों है फंक्शनल? क्योंकि लीवर जो होता है वो बनाता है क्या? बाइल बनाता है। बाइल वो है जो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है? तो बाइल फॉर्मेशन का काम इन हिपेटिक लोब्यूल में होता है। तो फंक्शनल यूनिट हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। तो स्ट्रक्चर भी बनाया और फंक्शन भी किया, तो इसीलिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट अगर कोई पूछे, अगर कोई यूनिट पूछे तो क्या बताओगे? हिपेटिक लोब्यूल आप इनको बताओगे, बताओगे कि नहीं? बिल्कुल। अब ये हिपेटिक लोब्यूल किसके बने हैं मैम, किसके बने हैं? तो भैया ऑर्गन है, लीवर क्या है? ऑर्गन है। ऑर्गन किसका बनता है? ऑर्गन किसका बनता है? टिश्यू का बनता है, बनता है कि नहीं? तो कई तरह के टिश्यू है इनके पास में। टिश्यूज में क्या होती है? सेल होती है, तो इनके पास भी सेल है। उन सेल का नाम क्या है? उन सेल का नाम क्या है मैम जो यहां पे प्रेजेंट है? तो उन सेल का नाम है हिपेटिक सेल है, हिपेटोसाइट आप इनको बोल सकते हो, हिपेटिक सेल, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? हिपेटोसाइट सेल। हिपेटोसाइट सेल वो सेल जो बनाती है किसको? बाइल को बनाती है। तो ये हिपेटिक लोब्यूल एक्चुअल में बने किसके हैं? आपके हिपेटिक सेल के बने हैं, जिनको आप बोलते हो हिपेटोसाइट सेल बोलते हो, ठीक है? अब देखो इन चीजों को आपको समझना होगा। अब आप बोलोगे अगर मैं सीधा याद करूंगा किसी चीज को, तो सीधा कोई चीज याद नहीं होती है। जब तक उसकी पिक्चराइजेशन ना हो, उस चीज की बारीकियां ना समझा जाए, तब तक चीज एक्सप्लेन नहीं होती, समझ में नहीं आती। क्योंकि जैसे ही आरबीसी को मारने की बात आएगी तो बोलोगे लीवर याद करोगे, जब भी आपको स्टोरेज की बात आएगी फैट के तो आपको ये याद आएगा, जैसे ही ग्लाइकोजन का बनना आएगा तो लीवर याद आएगा, यूरिया का बनना होगा तो लीवर याद आएगा। तो भाई ये कहानी कैसे समझ में आएगी, इतने सारे फंक्शन कर रहा है। टोटल लीवर जो है हम क्या बोलते हैं, मोर देन 500 फंक्शन जो है ये परफॉर्म करता है, पता है आपको? पूरे सेल आपके बॉडी के मोर देन 500 फंक्शन दैट आर परफॉर्म्ड बाय लीवर ओनली। और इसीलिए आप इसको क्या बोलते हो? दिस इज द बिजीएस्ट ऑर्गन। ये आपका बहुत ही बिजी है, इसके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हर टाइम ये कोई ना कोई काम कर रहा है, ठीक है? तो इस लीवर के इन कामों को कैसे समझोगे, कैसे पहचानोगे जब तक आपको कोई इनका स्ट्रक्चर समझ में ना आएगा, राइट? चलिए हाँ, तो समझ में आ गई ये चीज। तो ये हिपेटोसाइट सेल है जो यहां पे बाइल को बना रही है। अभी देखो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं इन चीजों को, अभी आगे चलते हैं। अभी देखो हमें समझानी क्या है, हमें वो हिपेटिक लोब्यूल जो है उसको समझाना है। हमने क्या बोला? वो पॉलीगोनल होता है, ठीक है? मैंने उसको क्या किया? पॉलीगोनल स्ट्रक्चर है, थ्री डायमेंशनल तो मैं बना नहीं सकती, मैंने उसको टीएस कट कर दिया, उसका टीएस सेक्शन कट किया। और अब मैं टीएस सेक्शन आपको दिखा रही हूं, ये टीएस सेक्शन है। अब टीएस सेक्शन में कैसे नजर आता है देखो, ये टीएस सेक्शन के अंदर नजर आ रहा होगा, सेंटर के अंदर यहां पर एक वेन नजर आ रही है, वेन है, तो इसको हम क्या बोले? ये आपकी हिपेटिक वेन है, इसको आप सेंट्रल वेन बोल सकते हो। वेन है तो क्या करेगी भैया? ये आपका ब्लड जो है वो लेके जाने का काम करेगी, तो सारा ब्लड जो है वो यहां से जा रहा है। ये आपकी सेंट्रल वेन जिसको हिपेटिक वेन कहते हो, ये ले जाने का काम करती है। तो हिपेटिक लोब्यूल जितने भी होंगे, वो जितने भी हैं आपके, इसके अंदर हम बोले 50,000 से लेकर आपके 1 लाख तक की इस तरह की नंबर में आपको प्रेजेंट आपको मिल रहे हैं लोब्यूल। तो ये लोब्यूल जो है ना, ये सभी जो है, इन सभी के सेंटर के अंदर ये वेन आएगी, लेके जाएगी ब्लड को यहां से, ठीक है? बट इसके चारों तरफ आपको रेडियली अरेंज हिपेटिक, ये देखो हिपेटिक जो है ना वो आपको नजर आएंगे। तो ये एक्चुअल में अगर मैं इसको समझाऊं, अगर मैं लोब को, तो मैंने ये बोला ये सेंट्रल वाली आपकी वेन है, ठीक है? ये सेंट्रल वाली आपकी वेन है। कौन सी वेन है? ये सेंट्रल वेन बोलो, या फिर इसको हिपेटिक वेन आप बोल सकते हो, ठीक है? फिर हम क्या बोले, इससे अरेंज रहती है रेडियल, रेडियली अरेंज आपको देखने को मिलती है हिपेटोसाइट सेल। मैंने ये रेडियली अरेंज कर दिया हिपेटोसाइट सेल को, ये लीजिए ये सारी की सारी हिपेटोसाइट सेल है जो रेडियली हिपेटिक कोड को फॉर्म करती है। किसको फॉर्म करती है? कोड जो होता है ना, वो इस तरह से रेडियली अरेंज होते हैं, रोड जैसे स्ट्रक्चर जो बना ले उनको कोड बोला जा सकता है। तो ये सभी क्या है? ये आपकी हिपेटोसाइट सेल है, ठीक है? हिपेटोसाइट बोलो। और ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म किया, इसको आप क्या बोल सकते हो? इसको आप बोल सकते हो हिपेटिक कोड बोल सकते हो। तो ये हिपेटिक कोड क्या है? ये रेडियली अरेंज होते हैं, ये ऐसे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे रेडियली इस सेंट्रल वेन के चारों तरफ रेडियली अरेंज होते हैं, ठीक है? मैंने तो केवल एक सेगमेंट बना दिया, आप चाहो तो इधर भी बना सकते हो, ऊपर भी बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो। तो ये इस तरह से रेडियली अरेंज आपको हिपेटिक कोड देखने को मिलेगी, जिसकी लाइनिंग किसकी बनी है? हिपेटोसाइट सेल की बनी है। ये हिपेटोसाइट सेल क्या कर रही है? ये बाइल बना रही है, बाइल बनाएंगी, बाइल बना के आपके क्या करेंगे, ये जो बीच का एरिया इसके अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पे समझना होगा क्या, हमें समझना होगा कि जो दो कंटिन्यू आपको इस तरह की रोड देखने को मिलती है, इसके बीच में कुछ स्पेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिनुसोइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिनुसोइड। सिनुसोइड क्या है?
अब बोलोगे कि मैम सिनुसॉइड क्या है, सिनुसॉइड क्या है, तो सिनुसॉइड क्या होती है अब इसको समझेंगे। सिनुसॉइड जो होते हैं ये वो स्पेस है जहां पर ब्लड होता है, यहां पर क्या है आपका ब्लड है, यहां पे ब्लड के कटोरे हैं। तो एक तरह से समझे कि कैसे है, पानी का भरा हुआ कटोरा है, उसके अंदर रेडियली आपको हिपेटोसाइट सेल जो है वो देखने को मिल रही है। तो ब्लड कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे, ये जो आपकी हिपेटिक कोड होती है उसका बीच का जो ये स्पेस है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सिनुसॉइड बोल रहे हैं। इस सिनुसॉइड के अंदर ब्लड होता है। तो मैडम ब्लड यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ब्लड क्या कर रहा है, ब्लड बहुत काम कर रहा है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो रहा है यहाँ पे। कैसे होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होती है कुछ पर्टिकुलर सेल। अब उन सेल को समझेंगे, वो सेल क्या है, वो सेल जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ये लीजिए, ये सेल हमने बना दी, ये सेल हमने बना दी। तो जो सिनुसॉइड होते हैं वहां पे कुछ सेल हमें देखने को मिलती है, और इन सेल को हम क्या बोलते हैं, इन सेल को हम बोलते हैं कुम्फर सेल। कुम्फर सेल है ये। अब बोलोगे कुम्फर सेल क्या करेंगी, बताएंगे। तो समझेंगे पहले, पूरी बात समझ में आई, हिपेटिक वेन है बीच में, सेंट्रल वेन बोल रहे हो, और उसके रेडियली अरेंज है हिपेटिक, आपके आपके हिपेटिक कॉर्ड अरेंज है, ठीक है, इतनी कहानी। हिपेटिक कॉर्ड किसके बने हैं, हिपेटोसाइट सेल के बने हैं, जो बनाते हैं किसको, बाइल को बनाते हैं, ठीक है, इतनी बात। अब ये जो हिपेटोसाइट सेल के दो आपके हिपेटिक कॉर्ड है उनके बीच का जो जगह है उसको हम क्या बोलते हैं, सिनुसॉइड। दो हिपेटिक कॉर्ड के बीच की जगह को सिनुसॉइड बोला है, जहां पे होता है क्या, ब्लड होता है, ठीक है। फिर यहां पर कुछ सेल प्रेजेंट है जिनको हम क्या बोलते हैं, कुम्फर सेल बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, कुम्फर सेल। इन सेल का नेचर क्या है, इन सेल का नेचर होता है फेगोसाइटिक। इनका नेचर होता है फेगोसाइटिक नेचर होता है। फेगोसाइटिक का मतलब जो किसी को पकड़ के खा जाएंगी, खा जाने का काम करेंगी। तो ये क्या करेंगी, ये यहां पर कोई भी मरने के लिए, अगर कोई आरबीसी आई है जिसका कितना होता है स्पैन, आरबीसी का 120 दिन का, तो किसी का भी ऊपर नीचे हम बोल देते कोई आरबीसी आ रही है जो मरने वाली है, तो उनको क्या करेगी, उनका फेगोसाइट करेगी, उनको मारने का काम करेगी, उनको तोड़ने का काम करेगी। तो बिल्कुल आरबीसी को तोड़ देती है। अब जब आरबीसी को तोड़ देती है तभी आपके यहां पर हमें पिगमेंट देखने को मिलते हैं, और वो पिगमेंट क्या है, वो पिगमेंट है यहाँ पे बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन। आपने कभी सुना होगा पीलिया के बारे में, जॉन्डिस के बारे में, नए नए बच्चे पैदा होते हैं छोटे से, बोलते हैं उनमें बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन की मात्रा बढ़ गई, बढ़ गई नहीं बढ़ गई है, ये क्या है, ये बाइल पिगमेंट है। बाइल पिगमेंट जो होते हैं वो एक्सक्रिटरी होते हैं, याद रखेंगे, ये क्या होते हैं, बाइल आपके पिगमेंट होते हैं, जो किससे बनते हैं, जो आरबीसी के टूटने से बनते हैं, इसके हम क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन से बनेंगे, याद रखेंगे। और इनका ब्रेक डाउन कौन करवा रहा है, इनका कुम्फर सेल जो है वो ब्रेक डाउन करवा रही है। तो ये जो आरबीसी है ये टूटेगी और बनेंगे क्या, बाइल पिगमेंट, जिनको बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन कहते हो आप, ठीक है, आगे लिख देंगे, यहां स्पेस नहीं है, बट अभी एक बार के लिए इतना समझा देते हैं। तो बिलीरुबिन है, बिलीवर्डिन जो है, जब आपके स्टूल का कलर येलो कलर होता है, आपके यूरिन का कलर येलो होता है, तो एक्चुअल में क्या है, ये एक्सक्रीटरी है, इनका कोई काम डाइजेशन से नहीं है, बस इनको एक्सक्रीट किया जाता है यूरिन के थ्रू और स्टूल के थ्रू, और उसी की वजह से कलर आता है। तो हाँ बिल्कुल, ये बाइल में साथ में आते हैं, स्टोर्ड है, होते हैं ये आपके बाइल के साथ में। तो ये बाइल पिगमेंट है, बने किससे, आरबीसी से, ये याद रखेंगे। फेगोसिटिक नेचर है किसका, कुम्फर सेल का, तब यहाँ पे साफ सफाई का काम हो पाया, ठीक है। अब ये चीज जरूरी थी, बिल्कुल जरूरी थी, है कि नहीं, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आयरन जो इससे निकलेगा उसको यूज में लिया जाएगा, वापस से यूज में ले लेंगे जब आरबीसी बनेगी, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको, क्लियर है कहानी। तो ये कुम्फर सेल है। तो ज्यादा कुछ चीजें तो आपको जानने के लिए नहीं मिली, एक बीच में आपको हिपेटिक वेन मिली, रेडियल आपको हमें हिपेटिक कॉर्ड देखने को मिले, उनकी हिपेटोसाइट सेल बाइल बना रही है, और उनके सिनुसॉइड के अंदर आपका ब्लड प्रेजेंट है जहां पे कुम्फर सेल उनको खाने का काम कर रही है, साफ सफाई का काम कर रही है। अभी बोलेंगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलते हैं। एक हमें पोर्टल ट्रायड यहां देखने को मिलता है, पोर्टल ट्रायड, या ट्रायड मैं यहां पर बना सकती हूँ, हर जितने भी कोड है वहां पर ट्रायड आपको देखने को मिलेगा। अब ये ट्रायड में क्या होता है, इस ट्रायड के अंदर होती है एक तो बाइल डक्ट होती है। अब बोलोगे बाइल डक्ट क्या है, अरे भैया इतने सारे आपस में क्या है, कई सारे हिपेटिक लोब प्रेजेंट है साथ में, तो उनके आपस में बाइल भी क्या होंगे, कनेक्टेड रहेंगे ना, तभी तो सारा का सारा इकट्ठा करके लेके जाएंगे, सारा का सारा इकट्ठा करके लेके जाएंगे और बाइल में स्टोर करें, उसमें गाल ब्लेडर में स्टोर करेंगे। तो यहां पे सभी हिपेटिक लोब जो है वो कनेक्टेड रहते हैं किससे, थ्रू बाइल डक्ट। ये देखो, ये ब्लू कलर आपका ग्रीन कलर में नजर आ रही है, ये क्या है, बाइल डक्ट, जो आपको हर हिपेटिक कोड के ऊपर आपको नजर आएगी, ये ट्रायड आपको हर हिपेटिक कोड के अंदर आपको नजर आएगा। तो देखो बाइल डक्ट जो कि दो आपके लोब्स को कनेक्ट करने का काम कर रही है, बाइल आपस में मिल रहा है भैया। फिर क्या है, एक है आपकी पोर्टल वेन। अब पोर्टल वेन ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक और लीवर के बीच की है, ठीक है, जो एब्जॉर्ब फूड होगा उसको लेके आएगा, ब्लड को लेके आएगा और देगा किसको, आपके लीवर के अंदर। तभी तो लीवर के अंदर क्या होगा, जो एक्स्ट्रा में ग्लूकोज है वो स्टोर
स्टोर हो जाएगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में, तो डाइजेस्टेड फूड को यहाँ लाने का काम तो होगा ना, बिल्कुल होगा। अब आपके जो विटामिन है वो भी आएंगे, तो उनके भी तो स्टोरेज का काम हो रहा है यहाँ पे, लीवर ही करता है विटामिन के स्टोरेज का काम भी। तो लीवर जो है ये आपकी हिपेटिक पोर्टल वेन जो है ये जुड़ी है किसके बीच में, डाइजेस्टिव ट्रैक और लीवर के बीच में। क्वेश्चन आता है बच्चा इसको इंपॉर्टेंट है मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है मार्क कर लो, नीट के अंदर क्वेश्चन आता है। अभी बच्चा पोर्टल वेन है ये, क्लियर है कहानी, समझ में आ गया? यस बिल्कुल। चलो अभी देखो इसके अलावा एक हिपेटिक आर्टरी भी है। हिपेटिक आर्टरी तो क्या कर रही है, ब्लड सप्लाई का काम कर रही है भैया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी तभी तो इसके टिश्यू लिविंग रहेंगे। तो एक हिपेटिक आर्टरी भी इसके पास में है, डी ऑक्सीजनेटेड को ले जाने के लिए इनके पास में क्या है, हिपेटिक वेन है जो सेंटर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो हिपेटिक आर्टरी आपकी प्रेजेंट है, पोर्टल वेन है और बाइल डक्ट है, तीनों मिलकर क्या बनाती है आपका यहाँ पे पोर्टल ट्रायड बनाती है। और जितने भी आपके कोड होंगे उस कोड रीजन के अंदर आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगी, ये लीजिए ये देखने को आपको मिल रही है, मिल रही है कि नहीं, ये आपके हर कोड के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। तो ये पोर्टल ट्रायड है, इससे बन गया आपका क्या, हिपेटिक लोब बना। और ऐसे कई सारे हिपेटिक लोब जो है वो क्या करेंगे, बाइल बनाएंगे, और बाइल को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, बनाएंगे और लेके चलेंगे, ट्रांसफर करेंगे आगे कि भैया जाओ गाल ब्लेडर के अंदर, बिल्कुल आगे जाने का काम करेंगे, ये होगा। तो भैया पहले कुछ जरूरी चीजें जिसको आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं एज इट इज आपको याद करवा देती हूँ, रटवा देती हूँ यहीं पे। लोब्यूल जो है, दैट इज लोब्यूल जो है वो किससे कवर्ड है, देखो लोब्यूल इज कवर्ड बाय द थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ। कौन सी है भाई, ये देखो थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लीसन्स कैप्सूल। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, इसको याद रखना है। अभी एक चीज और याद रखनी पड़ेगी कि ग्लीसन्स कैप्सूल जो होते हैं ये केवल मैमिलियन लीवर का ही करेक्टर है, याद रखेंगे इस चीज को। ग्लीसन्स कैप्सूल केवल मैमल्स के लीवर में ही पाया जाता है, ये आपको नहीं देखने को मिलता किसके अंदर, ये आपको नहीं देखने को मिलता आपके जो बाकी के हैं, जो बाकी के टेट्रापोड्स हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता, केवल मैमल्स के अंदर देखने को मिलेगा ग्लीसन्स कैप्सूल। पूछा जाता है ये किसका करेक्टर है, तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया है। ठीक है, चलिए अभी देखो लीवर क्या करता रहता है, लीवर जो है वो कंटिन्यू बाइल बनाता रहता है। तो कोई आपसे पूछे, अगर कोई आपसे पूछे कहे कि भाई जो है लीवर, लीवर के अंदर बाइल कब बनता है, तो आप क्या बोलेंगे, बाइल जो होता है 2400 घंटे बनता है। बाइल कितना बनता है, 24 आवर। अगर आप खाना खा रहे हो तब भी क्या करेगा, बाइल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और जब खाना नहीं खा रहे हो तब भी बाइल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो बाइल 24 घंटे बोल रहे हो कि अरे भैया फिर बाइल का काम क्या है, क्यों भैया बना रहे हो इतना, भैया बनाएंगे हम, क्यों ना बनाएंगे, हमारा काम है, हमारे पास में हिपेटोसाइट सेल है, हम तो इतने बिजी चल रहे हैं। लेकिन फिर भी जो ज्यादा बिजी होता है ना उसको आदत हो जाए ज्यादा काम करने की। अब तुम्हारे पापा को ही देख लो, अभी ऑफिस में जा जाके इतने बिजी रहते हैं, कितने बिजी रहते हैं, काम में लगे रहते हैं, लेकिन घर पे बैठेंगे तब भी शांति से नहीं बैठेंगे, अरे चलो तुम पढ़ाई करो, अरे तुमने आज ये बनाया नहीं, अरे यहां से गंदा हो रखा है, चलो ये गिलास लेके जाओ। अरे वो इतने बिजी रहते हैं ना, उनको काम करने की कुछ ज्यादा आदत हो जाती है, तो वो 24 आवर काम ही करते रहते हैं। ये नहीं कि तुम्हें रेस्ट का दिन मिल रहा है सो जाओ, है कभी नहीं करेंगे वो, ऐसा होता ही नहीं है। तो 24 आवर ये भी बिजीस्ट है, इसीलिए अपना काम चालू ही रखते हैं कि भैया मैं तो बनाऊंगा बाइल, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम क्यों जानो तुम्हारा काम जाने। भगवान ने क्या किया, भगवान ने इसके लिए एक अरेंजमेंट दे दिया, इसके लिए हमारे पास में एक छोटा सा थैला दे दिया जिसका नाम होता है पित्ताशय, जिसका नाम होता है गाल ब्लेडर। तो गाल ब्लेडर में जो एक्स्ट्रा में बाइल बन रहा है उसको हम स्टोर कर लेते हैं, स्टोरेज का है वो। गाल ब्लेडर जो है वो बाइल बनाता नहीं है, वो केवल लीवर से बाइल को स्टोर करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, चलिए। हाँ चलिए, गाल ब्लेडर फुल हो गया तो तुम जो है खाना नहीं खाओगे स्टार्वेशन के टाइम पे, तुम खाना मत खाओ, भूखे मरो, भूखे मरोगे तो क्या होगा, हाँ भूखे मरो, चलिए भूखे मरोगे तो, पर भूखे तुम रह नहीं सकते, तुम खाओगे, बिल्कुल खाओगे, और खाओगे तो पचाओगे, और पचाओगे तो बाइल आ जाएगा, बिल्कुल बाइल सिक्रीट कर देगा। ठीक है, चलो अभी देखो हमारे पास में फिर क्या है, इसी के लिए हमारे पास में होता है एक गाल ब्लेडर जिसके अंदर हम इसको स्टोर करते हैं। तो अगली कहानी यही है। तो बाइल जो है क्या होता है, हिपेटिक सेल से सिक्रीट होता है, सिक्रीट हो गया, सिक्रीट होने के बाद में आगे कैसे जाएगा अब इसकी कहानी हम बताएंगे। तो देखो ये आपका लीवर है, ठीक है लीवर है, हम लीवर को अब की बार इधर बना रहे हैं, बताने का सिर्फ है कि हमें जगह मिल जाए, क्योंकि ये हमारे सर पे दिखाई देगा आपको, राइट हमारे सर पे दिखाई देगा, तो हमने लेफ्ट एंड राइट पार्ट बता दिया। तो यहां से क्या होता है, कई सारी निकलती है हिपेटिक सेल से निकलती है हिपेटिक डक्ट। ठीक है, ये हिपेटिक डक्ट जो है वो आपस में मिल जाएंगी, मिल गई भाई हिपेटिक डक्ट आपस में मिल गई, लीवर से आई और मिला, बना ली इन्होंने क्या, कॉमन बाइल डक्ट बना ली। ये लीजिए इन्होंने एक डक्ट बना ली जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉमन बाइल डक्ट। तो ये तो आपके लोब से निकलने वाली डक्ट है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, ये है आपकी हिपेटिक डक्ट है जो निकली है वहां से, और ये आगे जाकर एक कॉमन बाइल डक्ट बना लेंगे। तो ये बना ली इन्होंने कॉमन बाइल डक्ट, ये इन्होंने बनाई है,
ये लीजिए, ये कॉमन बाइल डक्ट है, ये कॉमन बाइल डक्ट ही है जो आगे जाके ओपन होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, लीवर का जो राइट पोर्शन होता है उसके नीचे एक थैले जैसी स्ट्रक्चर आपको नजर आती है, जिसको आप क्या बोलते हो, गाल ब्लेडर बोलते हो। ये है आपका गाल ब्लेडर, गाल, सॉरी, ये लीजिए गाल ब्लेडर, ये लीजिए, ये हमने गाल ब्लेडर दिखा दिया। गाल ब्लेडर की जो डक्ट होती है ना, उसका नाम होता है सिस्टिक डक्ट। उसका नाम क्या है? सिस्टिक, सिस्टिक ये डक्ट है। तो सिस्टिक डक्ट के थ्रू गाल ब्लेडर के अंदर बाइल जो होता है उसको स्टोर कर दिया जाता है। ये लीवर के नीचे होता है। अब बिलो द लीवर होता है तो लीवर के नीचे ही बना देते हो, ऐसे नहीं है भैया। लीवर के नीचे का मतलब क्या हो गया, थ्री डायमेंशनली देखोगे तो ये उसके नीचे है, गाल ब्लेडर उसके ऊपर है, ठीक है। अगर आप देखोगे ना अपने अंदर, तो लीवर अगर आ गया है तो उसके पीछे की तरफ जो है बिलो आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा आपका गाल ब्लेडर, जो स्टोर करेगा किसको, स्टोर करेगा बाइल को। और ये किस तरह का सैक होता है ये भी याद रखना है, ये मस्कुलर होता है। मस्कुलर क्यों? क्योंकि भैया इकट्ठा करके रखेगा, जब इच्छा होगी भेजने की तो दबाएगा, है ना। तो कॉन्ट्रेक्शन करेगा कि नहीं करेगा? कॉन्ट्रेक्शन तभी हो पाएंगे जब मस्कुलर होगा, मसल्स का काम है ये, तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो वो मस्कुलर सैक जो बाइल को स्टोर करता है उसको हम बोलते हैं गाल ब्लेडर, और उसकी डक्ट का नाम क्या है? सिस्टिक डक्ट। यही सिस्टिक डक्ट है जिसके थ्रू बाइल जो है वो आपके कॉमन बाइल डक्ट बनाते हुए किधर जाएगा? आगे जाएगा डुओडेनम वाले हिस्से में। पर डुओडेनम वाले हिस्से में जाके ऐसे ही नहीं खुल जाएगा, ये पहले पैनक्रियाज के साथ में जुड़ेगा, पहले पैनक्रियाज की डक्ट के साथ में जुड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो पिक्चर के अंदर आपको नजर आ रहा होगा, पिक्चर में जो भैया अभी डायग्राम की तरफ ध्यान देंगे, बिल्कुल, ये आपका गाल ब्लेडर, ठीक है, ये आपकी आई है डक्ट फ्रॉम द लीवर, ये हिपेटिक डक्ट है, ठीक है। ये वाली जो डक्ट है गाल ब्लेडर की डक्ट, जिसको आपने सिस्टिक डक्ट बोला है, ये डक्ट यहां पर कॉमन बाइल डक्ट बना रही है। दोनों ने आपस में साथ साथ में डक्ट बनाई, कहां चली गई? ये आपके सी शेप, ये देखो सी शेप आपका डुओडेनम वाला हिस्सा है, वहां तक गई, लेकिन डायरेक्ट ओपन नहीं हो गई है, डायरेक्ट ओपन नहीं हुई है, पहले पैनक्रियाज की डक्ट आ रही है, उसके साथ में मिली है, उसके साथ जुड़ी है, और फिर एक कॉमन डक्ट बनाई है जिसका नाम होता है हिपेटो पैनक्रियटिक डक्ट। यानी आगे ये ऐसे बढ़ी, जब ये आगे ऐसे बढ़ी तो कैसे बनेगी, ये आगे ऐसे बड़ी, हमने इसको आगे बढ़ाया, फिर एक पैनक्रियास की डक्ट को भी लेके आए, पैनक्रियास की डक्ट को ले आए, फिर वो डक्ट आपस में मिलकर एक नई डक्ट बना ली, ऐसे नई डक्ट बनाई, पर ऐसे सीधी नहीं खुल गई, पहले एम्पुला बनाया, ये ऐसे एक छोटे से आगे स्वेलिंग बनाई जिसको एम्पुला बोलते हैं। तो ये यहां पे जो कॉमन डक्ट बनी है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं हिपेटो पैनक्रिएटिक। क्यों बोला पैनक्रिएटिक? क्योंकि पैनक्रियाज वाली डक्ट भी तो मिल रही है। तो ये है हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट, जो ओपन होती है किसके अंदर? गाल ब्लेडर आपके, सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम पार्ट में ओपन होती है, ऐसे। तो आपकी हिपेटिक डक्ट आई है कहां से? लीवर से आई है, और कॉमन इकट्ठी हो गई, इकट्ठी हो गई है, इकट्ठी होकर एक आपकी कॉमन हिपेटिक डक्ट जो है उसको बना लिया। अब वो कॉमन वाली हिपेटिक डक्ट है वो आगे सिस्टिक डक्ट के थ्रू गाल ब्लेडर में कभी बाइल स्टोर कर देगी, जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा, उसको जाना पड़ेगा डुओडेनम वाले हिस्से में, तब आपकी सिस्टिक डक्ट और आपकी जो हिपेटिक डक्ट आ रही है वो मिलकर बनाएगी कौन सी? कॉमन बाइल डक्ट बनाएगी। और ये कॉमन बाइल डक्ट डायरेक्ट जाके डुओडेनम में खुल नहीं रही है, मतलब कहानी देखो कितने सारे जोड़ तोड़ मोड़ रोड़ दिए। इतनी कहानी करने की जरूरत क्या थी? जरूरत ये थी कि भैया जो पीएच चाहिए पैनक्रियास के एंजाइम को, वो सारी पीएच अवेलेबल करवाएगा कौन? बाइल करवाएगा। तो अकेला नहीं जाऊंगा, साथ लेके जाऊंगा अपना मीडिया बनाने वाले को। तो भैया इसीलिए एक डक्ट बना लिया है कॉमन इन्होंने। तो पैनक्रियास की डक्ट और आपकी जो आपकी कॉमन बाइल डक्ट आ रही है वो मिलकर बना रही है किसको? हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट को बना रही है, ठीक है, समझे। और फिर ये हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट आपके डुओडेनम हिस्से में खुलेगी। ये देखो सी शेप आपको डुओडेनम हिस्सा दिखाई दे रहा है, तो उसके प्रॉक्सिमल, कई बार कई लाइन में पूछा जाता है कि डुओडेनम के कौन से हिस्से में खुल रही है, तो प्रॉक्सिमल हिस्से में, समीपस्थ हिस्सा, जो स्टमक का स्टार्ट होते ही जो सी शेप हिस्सा आता है उसमें। कभी पूछा जाता है कौन से में, तो लिख दिया जाता है ऑप्शन में सी शेप डुओडेनम में ओपन हो रही है, तो आप बोलोगे यस ओपन हो रही है। फिर बोलोगे किससे ओपन हो रही है, तो भैया हिपेटिक पैनक्रिएटिक डक्ट ओपन हो रही है। कभी वहां लिख देते हैं हिपेटो पैनक्रेटिक एम्पुला, तो वो भी राइट है, क्योंकि ये डक्ट जो होती है आगे पहले एक स्वेलिंग बनाती है जिसको हम बोलते हैं एम्पुला, ठीक है। तो एम्पुला जो है वो यहां पर ओपन होता है। तो इस तरीके से इनकी ब्रांचिंग रहेगी, क्लियर है ब्रांचिंग पूरी? यस। तो क्वेश्चन जितने तरीके से पूछा जाएगा वो हर तरीके से अपने दिमाग में आप सेट करके रखोगे, हर तरीके से वो दिमाग में सेट करके रखोगे, ठीक है। रास्ता क्या है, घर में होता है ना, किचन की नाली आई, ठीक करने देखने वाला आया, बोला अरे भैया आपके नाली के अंदर यहाँ पे तो कचरा नहीं है, देखो जरा आगे फंसी हो, फिर वो नालियां कई कमरों की नालियां होती है आपस में मिलकर बनी होती है, उस नाली को चेक करते हैं, भैया कचरा तो यहाँ भी नहीं फंसा, फिर घर के बाहर तक जाते हैं, वहां पर बाथरूम वाथरूम की सबकी नालियां मिल रही होती है, फिर वहां जाके चेक करते हैं, अरे भैया कचरा तो यहाँ फंसा हुआ था। तो बस कुछ ऐसा ही सिस्टम है, एक नाली आई हिपेटिक लेफ्ट पार्ट से, एक आई राइट पार्ट से, हिपेटिक डक्ट बोल दिया, दोनों आपस में जुड़ गई तो क्या बन गई? हिपेटिक
कॉमन डक्ट जो होती है वो बन गई। फिर वो चली किधर, वो गाल ब्लेडर, उसके पास स्टोरेज का काम करेगी तो सिस्टिक डक्ट से गाल ब्लेडर में स्टोर कर देगी, पर वही सिस्टिक डक्ट आगे कॉमन आपकी जो बोलते हैं हिपेटिक डक्ट है उसके साथ मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाएगी। अब ये कॉमन बाइल डक्ट जो है वो सीधा नहीं खुल रही है, वो भी फिर पैनक्रियास को साथ में जोड़ेगी तो बनाएगी हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। फिर हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट जो है वो एम्पुला बनाते हुए डुओडेनम हिस्से में खुल जाएगी, प्रोक्सिमल एंड में खुलेगी, सी शेप हिस्से में खुलेगी। तो ये कहानी पूरी ऐसी रहेगी। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अभी कोई आपसे पूछे गाल ब्लेडर किसी में एब्सेंट होता है, तो बिल्कुल होता है। किस में एब्सेंट होता है तो देखो, अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो, ये एब्सेंट होता है लैम्प्रेज में। ठीक है, ये कौन है आपके, साइक्लोस्टोम है लैम्प्रे, तो साइक्लोस्टोम लैम्प्रे जो है इसमें अब्सेंट है। ठीक है, फिर ग्रेन ईटिंग बर्ड्स होते हैं, चूहे होते हैं, वेल होती है, वेल क्या है मैमल ही है, पर वेल के अंदर, चूहों के अंदर, इन सभी के अंदर क्या है, ये अब्सेंट होते हैं। और देखो इसके अलावा ऑल मेंबर ऑफ पेरिसोडेक्टाइला, इसके अंदर भी क्या है, ये अब्सेंट है। सम ऑफ आर्टी, ये सारे जितने भी हम बोलते हैं ना मैमल्स में, अगर हम देखें आपके जो इसमें आ जाएंगे, आपके हाथी वगैरह आ जाएंगे, तो इन सभी के अंदर क्या है, ये अब्सेंट है। ठीक है, तो ये आपसे कभी पूछा जाए, अगर कभी कहीं कोई बोले तो आप उनको बता सकते हो, बट ये आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं है तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ये जनरल नॉलेज की चीज है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्योंकि हम मैमल्स के अंदर बात करते हैं तो हमने एक चीज बोली ग्लीसंस कैप्सूल जो है वो मैमल्स में प्रेजेंट है बाकी में नहीं है, तो भैया मैमल्स के अंदर ही बात कर ही रहे हो तो बता दो भैया किसी और में है क्या। पर फिर कहोगे मैम मैमल्स में फिर लैम्प्रे कहां से आ गई, भैया लैम्प्रे के पास में भी गाल ब्लेडर नहीं है, एक्सेप्शन था तो हमने बता दिया कि गाल ब्लेडर बाकी नॉर्मली सब में देखने को मिलता है। तो इमेजिनेशन ही नहीं जाती हमारी, हमारी इतनी इमेजिनेशन ही नहीं जाती कि हम सोच सके फिशेस के बारे में कि गाल ब्लेडर है उनके पास में, तो भैया है, देख लो नाम होता अगर यहाँ पे नहीं होता तो, राइट। तो जिनमें नहीं है वो नाम हमने दे दिया आपके सामने सिर्फ इमेजिनेशन को बढ़ाने के लिए। चलो छोड़ो उस बात को, वो हमें याद ही नहीं करनी तो हमें क्या लेना देना जीके, हमने इतना ही ध्यान देंगे, जीके कोई पूछ थोड़ी ना रहा है। चलो हम आ जाते मेन, गाल ब्लेडर की कितनी कैपेसिटी है, गाल ब्लेडर की कैपेसिटी है 30 से 50 ml। तो भैया भर गया ये, तो 30 से 50 ml जैसे ही आया आपका गाल ब्लेडर में, वो उतना ही ml लिया उसने और वो भर गया। तो भैया बाइल जो है वो स्टोर होता है गाल ब्लेडर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे उसके हम बोलते हैं इकट्ठा होने का काम है। क्लियर है यहाँ पे कहानी, उसकी गाल ब्लेडर की डक्ट को सिस्टिक डक्ट कहते हैं, हिपेटिक डक्ट के साथ में मिलती है और कॉमन बाइल डक्ट बना लेती है। ये कहानी तो हमने बता दी, और इसको थोड़ा सा और पिक्चर के फॉर्म में आपको बताया, ये आपका स्टमक है, ये पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज से आने वाली ग्रीन कलर के अंदर आपको नजर आ रही होगी, ये आपकी पैनक्रियाटिक डक्ट है और ये आपकी कॉमन बाइल डक्ट है जो कि आपकी ओपन हो गई। अभी बोलेंगे कुछ और चीजें भी, क्या बोलेंगे, हम बताना चाहते हैं कि यहां पर भी स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। कौन से स्फिंक्टर, वो स्फिंक्टर जो मस्कुलर होते हैं, जिनकी वजह से बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर फ्लो रुकता है, जिनकी वजह से बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर फ्लो रुकता है, हम ये कह रहे हैं। यानी कि अगर एक बार क्या हो गया, आपका बाइल जो हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट से बाहर जा रहा है ना, तो सोचो डुओडेनम में तो खाना आया है काइम, अगर वहां पे कोई स्फिंक्टर नहीं होगा तो खाना एंटर नहीं कर जाएगा आपके पैनक्रियाज में। तो भैया इन्होंने पूरा इंतजाम करके रखा है, यहां पर क्या रख रखा है, यहां पर उन्होंने एक स्फिंक्टर लगा रखा है कि खाना अंदर नहीं आएगा, खाना जो है वो अंदर नहीं आएगा, इसके लिए एक स्फिंक्टर है। और स्फिंक्टर का नाम क्या होता है, उसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ओडी तो सबको याद रहता है ना, गाड़ियों का शौक तो हम किस हम कम सभी को है ना, तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है जिसका नाम है ओडी। कहाँ प्रेजेंट होता है, हिपेटो पैनक्रेटिक एम्पुला जहां ओपन हो रहा है डुओडेनम हिस्से में, वहां है ताकि फूड अंदर ना आ जाए, है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस मूवमेंट ना हो। तो भैया यही ओडी, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ये याद रखना है। एक स्फिंक्टर और है यहाँ पे, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन हम जिसको बोलते हैं, वो एक्चुअल में वहां प्रेजेंट होता है जहां पे आपकी कॉमन बाइल डक्ट पैनक्रिया से मिलती है, यानी कि यहाँ पे कुछ, इसको मैं अलग कलर से दिखाऊंगी ताकि आपको नजर आए, यहाँ पे कुछ, ये यहाँ पे, यहाँ पे, तो कॉमन बाइल डक्ट जहां पर आपके पैनक्रियाज के साथ में मिक्स होती है मिलती है, वहां पे एक और हमें यहां देखने को मिलता है क्या, स्फिंक्टर जिसका नाम होता है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, 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 ये आपसे पूछा नहीं गया, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट स्फिंक्टर ऑफ ओडी मेंशन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अभी स्फिंक्टर करते क्या है, स्फिंक्टर का काम यही है कि बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर फ्लो ना हो, ठीक है, बस उस फ्लो को रोकने के लिए ये प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है यहां तक की कहानी, बिल्कुल, यस 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 यस। चलिए बहुत ही बढ़िया, अभी देखो कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो हमने मेंशन कर दिए, ताकि आपको जब पीडीएफ मिले तो हर चीज आपको वहां पे अवेलेबल हो जाए कि क्या बना रही है। बाइल डक्ट जो है वो आपका, हम बोल रहे हैं पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ में मिली, इन्होंने कॉमन हिपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट बनाया, फिर हमने बोला कि ओपनिंग पे यहाँ पे स्फिंक्टर है जिसको हम बोलते हैं ओडी का स्फिंक्टर।
अब देखो यहां पर हम एक चीज क्या बोल रहे हैं, यहां पे ये एम्पुला बन रहा है, इस एम्पुला को भी ध्यान रखेंगे। कई बार एम्पुला लिख दिया जाता है, आप लोग ध्यान ही नहीं देते हो कि एम्पुला बन रहा है क्या, तो बिल्कुल एम्पुला यहाँ पे बनता है। चलिए नाउ द वी टॉक अबाउट द लीवर के फंक्शन, क्या लीवर काम कर रहा है। तो लीवर देखो हमने बोला 500 काम कर रहा है ना, हम बोल रहे हैं 500 नहीं 500 काम कर रहा है। यहाँ पे 500 कहना तो सही नहीं होगा, हम तो बोलेंगे 500। यहाँ पे तो 500 जो है वर्क हो रहे हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है उनको आप ध्यान रख सकते हो। जैसे कि ये वो ऑर्गन है जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रहा है, अगर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस होता है तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, एसेंशियल के अंदर चेंज करने का काम कर रहा है। ठीक है, हम उसकी टॉक्सिक जो बोलते हैं कि उसकी कंडीशन है, आप बोल सकते हैं उसका कैरेक्टर है, उसको वो वहां पे क्या करेगा, बिल्कुल हटाने का काम करेगा। तो डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है वो उसमें इन्वॉल्व रहता है, कौन आपका लीवर रहता है। इसके अलावा देखो थर्मो रेगुलेटर ऑर्गन भी है, एक्ट एज थर्मो रेगुलेटर, क्योंकि स्केलेटल मसल्स जो है या फिर हम बोलते हैं ना कि उनके अंदर ये क्या करता है, ग्लूकोज जो होता है उसको क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर जो है चेंज करने का काम ये करता रहता है, ये थर्मो रेगुलेटर है। इसके अलावा यहाँ पे कई एक्टिविटी होती है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है तो ग्लाइकोजन से वापस से ग्लूकोज बनने का काम भी होता है। फैट है, अमीनो एसिड है, इन सभी से वापस से ये क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाने का काम भी करेगा। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट काम हीमोपोएसिस, हीमोपोएटिक ऑर्गन है। हीमोपोएटिक का मतलब क्या हुआ, जो बनाएगा क्या, ब्लड आरबीसी बनाएगा, तो आरबीसी बनाने का काम ये करेगा और आरबीसी को ये तोड़ने का काम भी करेगा। बिल्कुल, तो आपका ग्रेवयार्ड तो आप स्प्लिन को बोलते हो, जिसके अंदर आरबीसी टूटती है, तो आरबीसी जो है ना उसको एनगल्फ करने का, उसके फेगोसिटिक जो है वो नेचर जो है वो आपका लीवर भी करता है, तभी तो कुम्फर सेल वहां पे प्रेजेंट है। अब वो कुम्फर सेल क्या करेगी, बाकी का जितना भी उनका हम बोलते हैं ना प्रोटीन पार्ट है, उस प्रोटीन पार्ट को तो पिगमेंट में कन्वर्ट कर दिया। वो पिगमेंट कौन से हैं, वो है इनके पास में बिली रूबीन और बिली वर्डिन, बिली वर्डिन, ये दो पिगमेंट बना देगी प्रोटीन पार्ट से, बट जो आयरन होगा ना उस आयरन को स्टोर कर लेगी, उस आयरन को स्टोर कर लेगी और नई आरबीसी बनाने के लिए काम में ले लेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीमोपोएसिस भी होता है। ठीक है, तो लीवर एक्ट एज हीमोपोएटिक ऑर्गन इन द फिटस। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, आरबीसी फॉर्म करने का काम होता है, आरबीसी को तोड़ने का काम भी होता है। चलिए तो ये देखो हमने बताया था इसके अंदर कि ये बाइल जूस जो है वो बनाती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है क्योंकि डाइजेशन में हेल्प करता है। येलोइश ग्रीन कलर का होता है बिकॉज ऑफ द बाइल पिगमेंट जो कि एक्सक्रीटरी है, याद रखना बाइल पिगमेंट एक्सक्रीटरी होते हैं, उनका डाइजेशन से कोई रोल नहीं है, उनको स्टूल एंड यूरिन के थ्रू बाहर पास कर दिया जाता है। इट डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम, ये बात हमने आपको बता दी थी, किसी तरह का कोई भी एंजाइम इनके पास में नहीं है, और ये बाकी कहानी हमने आपको बताई है। इनका मेन की रोल क्या है, कोई आपसे पूछ सकता है लीवर का की रोल क्या है, तो इनका मेन काम होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कैसे, देखो यहां पे क्या हो रहा है, ग्लाइकोजिनेसिस हो रहा है। ग्लाइकोजिनेसिस का मतलब क्या हुआ, जो ग्लूकोज है जितना काम में आ गया, ठीक है, जो एक्स्ट्रा बच गया उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेना, तो उसको पहले ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बदलेगा, तो ग्लाइकोजिनेसिस यहां होता है। फिर क्या होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब जरूरत पड़ने पर ग्लाइकोजन जो है उसका ब्रेक डाउन करके ये क्या बना देंगे, आपका ग्लूकोज बना देंगे। ठीक है, फिर क्या होता है यहाँ पे, ग्लूकोनियोजिनेसिस। ग्लूकोनियोजिनेसिस का मतलब जरूरत पड़ने पर जो फैट स्टोर किए, क्योंकि ये फैट स्टोर करने का काम भी करते हैं, तो फैट जो स्टोर की है उससे ये क्या करेंगे, ग्लूकोज जो है उसको बना देंगे जरूरत पड़ने पे। यस, इसके अलावा क्या कर रहे हैं, इसके अलावा लिपोजेनेसिस भी कर रहे हैं, लिपिड बनाने का काम भी कर रहे हैं, तो बिल्कुल तभी तो फैट यहाँ पे स्टोर होगा, बिल्कुल फैट के स्टोर होने का काम है। तो मेन की रोल इनका क्या हो गया, इनका कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से इनका इंपॉर्टेंट रोल है, पूछा जा सकता है, बहुत ही जरूरी है याद करना और समझना। ठीक है, तो ये लीवर के मेन रोल है। वैसे तो 500 रोल है, 500 रोल के अंदर देखो आपके इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर आपका यूरिया साइकिल आ जाएगा। यूरिया साइकिल को देखो आप क्या बोलते हो, इसको हम बोलते हो ऑर्निथिन साइकिल, कोई पूछ ले तो याद रखना है, यूरिया का फॉर्मेशन या पढ़ोगे जरूर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जब आपका एक्सक्रीशन वाला आप चैप्टर करोगे वहां पे आप पढ़ोगे। लेकिन छोटी सी चीज, आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, प्रोटीन टूटता है, प्रोटीन टूटता है तो क्या बनता है, एमिनो एसिड बनता है। जब एमिनो एसिड बनेगा तो अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या हो सकता है, टॉक्सिसिटी फैल सकती है हमारे अंदर, अमोनिया हमारे लिए टॉक्सिक है, तो हम क्या करेंगे, अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देंगे हमारे अंदर, और यूरिया को फिर क्या कर दिया जाएगा, हमारे किडनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये अमोनिया का यूरिया में चेंज, जिसको हम ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं, ये भी कहां परफॉर्म हो रहा है, ये भी आपके अंदर यानी कि आपके लीवर के अंदर ही परफॉर्म होता है। ठीक है, फिर देखो
हम क्या बोलते हैं, जब भी हमारी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड डिपोजिशन हो जाता है, लैक्टिक एसिड बनता है कि नहीं बनता है, उस लैक्टिक एसिड बन गया, क्रैम्प आ जाता है कभी, फिर वो लैक्टिक एसिड क्या होता है, धीरे धीरे वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो आपको वो क्रैम्प निकल जाता है आपकी उससे। तो वहां पे लैक्टिक एसिड से वापस ग्लूकोज का जो बनना है, ये किस में होगा, ये भी आपके लीवर में होगा, जिसको हम बोलते हैं कोरी साइकिल। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज बनना, ये भी लीवर में। तो ऑलमोस्ट आप जितने भी काम देख पाओगे, सोच पाओगे, उन सभी में इन्वॉल्वमेंट जो है वो लीवर का रहता ही रहता है। ठीक है, अब देख लो, जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल के लिए जो प्लाज्मा प्रोटीन है, लाइक एल्ब्यूमिन ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, ग्लोब्यूलिन, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, एंटीकोग्यूलेंट है, हीपेरिन जो ब्लड का जमाने में काम आ रहा है, ये सभी जो जितने भी तरह की जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है, जो आपके प्लाज्मा में, कनेक्टिव टिश्यू के प्लाज्मा में जो प्रेजेंट होती है, वो सभी लीवर के अंदर सिंथेसाइज हो रही है। तो लीवर का देखो कितना बड़ा काम है। कुम्फर सेल क्या कर रही है, ये देखो रिमूव करने का काम कर रही है अनवॉन्टेड सब्सटेंस को, कोई माइक्रोब आ गया उसको, या फिर कोई आरबीसी सेल है उसको, इन सभी को क्या करती है, खा जाने का काम कर रही है। पर ये कुम्फर सेल जो है ना, ये मूव नहीं कर सकती, वो सिनुसॉइड वाला एरिया ना, उसमें मूवमेंट नहीं करती, एक ही जगह पे रहती है। आपके जो आपका जब आप पढ़ते हो ना अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जहां पे एल्वियोली होती है ना, वहां पे आपको कुछ प्लस सेल्स देखने को मिलती है। वो प्लस सेल्स तो क्या करती है, घूम घूम के एल्वियोली में कोई पैथोजन अगर आ जाता है अपने एयर के साथ में चला गया, तो उसको खाने का काम करेगी। लेकिन यहां पर ये कुम्फर सेल जो है ना, वो एक ही जगह पे बैठी रहेगी, और बैठी बैठी वहां पे क्या करेगी, खाने पीने का काम करेगी, वो इधर उधर नहीं घूम रही है। तो एटीट्यूड बहुत है कुम्फर सेल के अंदर, घूम घूम के नहीं मारेगी, एक ही जगह बैठी रहेगी, फिर दिखेगा तो उसको पकड़ेगी और खा जाएगी उसको। तो इस तरीके से ये क्या कर रही है, ये यहां पे साफ सफाई का काम भी कर रही है। तो लीवर के काम बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। अभी देखो मेन फंक्शन तो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में मेन फंक्शन तो बाइल ही है, क्योंकि हम तो डाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो डाइजेशन में आ जाओ। तो लीवर क्या करता है, बाइल को सिक्रीट करता है। बाइल क्या करता है, बाइल जो है वो फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, ये काम जो है ना, ये काम करता है बाइल। फैट जो है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है, ताकि उसका क्या हो सके, एब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है, तो बाइल करता क्या है, इमल्सिफिकेशन करता है। ये काम वो कहां पे करेगा, डुओडेनम में करेगा, क्योंकि इससे पहले तो केवल स्टोरी हो रहा है, फूड तो उसको मिलेगा नहीं, उसको डुओडेनम वाले हिस्से में फूड मिलेगा, तो वहां जाके इमल्सिफिकेशन उसका कर देगा। पर सबका नहीं कर रहा है, एक तो मीडिया चेंज कर रहा है, बिल्कुल एल्केलाइन मीडियम कर देगा, और दूसरा वहां पर फैट का इमल्सिफिकेशन कर देगा। तो ये दो काम यहाँ पे मेन है, इंपॉर्टेंट है, जो बाइल करता है। ठीक है, और देखो एक्सेस के अंदर हम बोल रहे हैं ग्लूकोज को स्टोर करने का काम करता है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप भूखे मरोगे ना, जब स्टार्वेशन पे जाओगे, भूखे मरोगे, तो बोलोगे कि मैम, तो तब क्या होगा, तब आपके अंदर जो स्टोर्ड फूड है वो काम में लिया जाएगा, तब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदला जाएगा, एंड देन फिर वापस से वही उनका डाइजेशन जो आपने किया है, फिर रेस्पिरेशन के थ्रू ग्लूकोज टूटेगा, एंड देन एनर्जी निकलेगी और उसको आप काम में लोगे। तो वो बाकी का फिनोमिना है, लेकिन अभी जो ग्लाइकोजन स्टोर है उसको ग्लूकोज में बदलने का काम स्टार्वेशन के टाइम पे, तो ये भी कौन कर रहा है, ये भी आपका लीवर ही करता है। ठीक है, लीवर से रिलेटेड एक और चीज, लीवर से रिलेटेड चीज कई बार आपसे पूछा जाता है ना, कि जब भी इन द केस ऑफ एल्कोहलिक, अगर आप क्या करते हो, एल्कोहल बहुत ज्यादा में कंज्यूम करते हो, ठीक है ना, तो एल्कोहल जो होता है इसका डिटॉक्सिफिकेशन जो है ये भी आपके लीवर के अंदर ही होता है। पर अगर आप क्या करते हो बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे जितना भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम है जो लीवर में हो रहा है, तो अगर आप बहुत ज्यादा एल्कोहल अगर आप पीते हो ऐसी कंडीशन के अंदर, तो सबसे पहला ऑर्गन जिस पे इफेक्ट पड़ेगा तो वो कौन सा होगा, वो आपका लीवर होगा। तो लीवर के अंदर बहुत ज्यादा लंबे टाइम पर अगर आप शराब पीते जा रहे हो, पीते जा रहे हो, पीते जा रहे हो, बेचारा एक टाइम तक कर रहा है डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, अल्कोहल पी रहे हो आप, ठीक है, लेकिन एक टाइम आएगा ना, तो वो भी थक जाएगा, तो भी देखो तब क्या होगा, सबसे पहले अफेक्ट जो होगा वो कौन सा ऑर्गन होगा, लीवर होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं किरोसिस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, किरोसिस, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म जो है, पुराने टाइम से, लंबे टाइम से शराब पीते रहोगे, तो इफेक्ट होने वाला ऑर्गन आपका कौन सा होगा, लीवर होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सम टाइम आप देखते हो लीवर के अंदर फंगल, हम बोलते हैं कि जो बोलते हैं इनके भी इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, जो हम बोलते हैं कि फंगल टॉक्सिन जो है डेवलप होते हैं, उसमें जो मेन ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो है आपके एस्परजिलस फ्लेवस। कई बार आपको सुनने को मिलती है लीवर से रिलेटेड चीजें, तो ये इसीलिए हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये था आपका लीवर। नेक्स्ट जो है आपका ऑर्गन, दैट इज पैनक्रियास। चलिए पैनक्रियास, पैनक्रियास को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड। ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, कहां सिचुएटेड होती है, ये डुओडेनम के मिडल में, ये जो आपका यू शेप वाला, अगर मैं डुओडेनम का ये हिस्सा बनाऊंगी, तो इसके बीच में, बिटवीन द आपका, हम बोलते हैं यू शेप जो डुओडेनम है उसके बीच में यहां पे नजर आएगी आपको, लीफ जैसी स्ट्रक्चर लगती है पैनक्रियास की। कैसी स्ट्रक्चर लगती है, लीफ जैसी लगती है। ये येलो कलर का नजर आ रहा है, ये क्या है आपका, यही तो है आपका लीवर, ये सॉरी पैनक्रियास, यही तो है आपका क्या, पैनक्रियास। पैनक्रियास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि पैनक्रियास जो है ये आपके अंदर दोनों तरह से काम करता है, ये एक्चुअल में हिट्रोक्राइन है,
हिट्रोक्राइन है। अब हिट्रोक्राइन क्यों बोला इनको हिट्रोक्राइन, क्योंकि ये दोनों तरीके से बिहेव कर रहा है, ये एंडोक्राइन बिहेव भी करता है, एंडोक्राइन भी, और आपका एक्सोक्राइन भी बिहेव करता है। एंडोक्राइन का मतलब क्या हुआ, एंडोक्राइन का मतलब ये हुआ जो कि आपके, हम बोलते हैं ना कि अपने जो भी सिक्रीशन है उस सिक्रीशन को ट्यूब के थ्रू जो है वो रिलीज करते हैं, ठीक है, वो सॉरी विदाउट, एक्सोक्राइन बोलेंगे, विदाउट डक्ट जो होते हैं वो आपके सिक्रीट करते हैं, उनको हम बोलते हैं डक्टलेस, आप जिनको बोलते हो ग्लैंड, तो वो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। नॉर्मली ये क्या करती है, हॉर्मोन जो होते हैं उनको रिलीज करती है, और एक्सोक्राइन जो डक्ट्स के थ्रू अपने सिक्रीशन को रिलीज करते हैं, ठीक है, एक्सोक्राइन है जिनकी इस पार्ट से क्या सिक्रीट होंगे, इस पार्ट से इनके एंजाइम जो है वो सिक्रीट होंगे। तो ये दोनों तरह से काम कर रही है, ये हिट्रोक्राइन है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों काम कर रही है। केवल 1%, ओनली 1% हिस्सा ही इसका एंडोक्राइन होता है, बाकी मैक्सिमम इनका एक्सोक्राइन पोर्शन ही होता है। तो इसीलिए, क्योंकि ये डाइजेशन कर रही है, पैनक्रिएटिक जूस को सिक्रीट करती है, इसके सिक्रीशन को हम क्या बोलते हैं, इसके सिक्रीशन को हम बोलते हैं पैनक्रिएटिक जूस, ठीक है। तो चूंकि ये पैनक्रिएटिक जूस सिक्रीट कर रही है, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें एंजाइम होते हैं जो डाइजेशन करेंगे, और एंजाइम के साथ साथ में आपका एंडोक्राइन वाला हिस्सा हार्मोन रिलीज कर देगा, तो हार्मोन भी तो आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो पैनक्रिएटिक जूस जो है वो यहाँ पे डाइजेशन कर रहा है, जो एक्सोक्राइन वाले हिस्से से आ रहा है, एंडोक्राइन वाले हिस्से से हॉर्मोन्स आ रहे हैं, और ये मिलकर जो है पैनक्रिएटिक जूस बनाएगा जो आपके डाइजेशन में काम करेंगे, ठीक है। अभी देखो दोनों हिस्से को देखेंगे, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन हिस्सा जो है इन दोनों को हम देखेंगे। सबसे पहले एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन वाला हिस्सा ये किसका बना होता है, तो देखो ये बना होता है पैनक्रिएटिक लोब्यूल का, ये पिक्चर में आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या है, ये छोटी छोटी लोब्यूल्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एसिनी, इनको हम क्या बोलते हैं, एसिनी। तो एसिनी आपको पिक्चर में नजर आ रही होगी, ये देखो कई सारी आपको इस तरह से सर्कुलर आपको नजर आ रही है, जिसमें कई सारी सेल है, ये सभी क्या है, एसिनीज है, ये सभी एसिनीज है, जो छोटी छोटी हम बोलते हैं पैनक्रिएटिक डक्टेक्यूल्स, जो किसके थ्रू, पैनक्रिएटिक डक्ट्यूल्स के थ्रू ये ओपन होती है पैनक्रिएटिक डक्ट के अंदर। ये जो आपको बड़ी सी डक्ट नजर आ रही है, दैट इज पैनक्रिएटिक डक्ट, कलर थोड़ा चेंज कर दे ताकि आपको नजर आए, ये आपको नजर आ रही है बड़ी सी, ये क्या है, ये है आपकी पैनक्रिएटिक डक्ट। तो कई सारी पैनक्रिएटिक डक्टिक्यूल्स जो है, जो एसिनी से आ रही है, वो मिलकर एक बड़ी कॉमन पैनक्रिएटिक डक्ट जो है उसको बना रही है। यही पैनक्रिएटिक डक्ट है जो आगे जाकर किसके साथ में मिलेगी, कॉमन बाइल डक्ट के साथ में मिल जाएगी। लेकिन एक्सोक्राइन वाला हिस्सा क्या है, ये एसिनीज होती है, ये लोब्यूल्स होती है, ये सारी की सारी जो एसिनीज है, ये गोल गोलाकार जो संरचना है, जो कई सारी सेल से मिलकर बनी है, इनको हम बोलते हैं एसिनीज। और ये क्या सिक्रेट करती है, यही वो जो हमारी सेल्स हैं जो क्या करेंगी, जो आपके एंजाइम्स को सिक्रेट करेंगी। तो एसिनी इनका क्या हो गया, एसिनी आपके इस एक्सोक्राइन हिस्से का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हो गया, क्योंकि ये छोटी छोटी में इन्हीं में सब में क्या बन रहा है, पैनक्रिएटिक जूस आपके एंजाइम जो है बन रहा है। लेकिन सेंटर के अंदर आपको यहां पर देखो ये नजर आ रहा होगा, यहां पर एक देखो सेंटर के अंदर छोटा सा हिस्सा, क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला 1%, ओनली 1% हिस्सा ही इनका क्या होता है, इनका एंडोक्राइन हिस्सा होता है। तो भैया एंडोक्राइन हिस्से को जरूर देखेंगे, उससे पहले बता देते हैं पैनक्रिएटिक जूस से रिलेटेड, क्योंकि डाइजेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। तो यहां पे क्या कह रहे हैं, जितनी भी एसिनीज हैं ये सभी छोटी छोटी आपकी पैनक्रिएटिक डक्टिक्यूल्स जो है इनमें ओपन होती है। तो ये देखो हमने बोला था पैनक्रिएटिक डक्टिक्यूल्स है, बना लो भैया, ये हमने बनाई एसिनीज, बना रहे हैं हम इस तरह से एसिनीज बनाई, और ये एसिनीज ने अपने ल्यूमन के अंदर क्या कर दिया, पैनक्रिएटिक जूस को सिक्रेट किया, किया कि नहीं, ये सिक्रेट कर दिया, ये सारी की सारी आपकी एसिनीज की सेल है, और ये एक सिंगल जो है वो एसिनी है, ये सिंगल जो बनेगी उसको हम एसिनी बोलेंगे, और ऐसी कई सारी एसिनी है, 99% सिर्फ पैनक्रियाज में एसिनीज ही होती हैं। फिर ये छोटी छोटी बनाएंगी डक्ट्स, इनको हम बोलेंगे क्या, पैनक्रेटिक डक्ट्यूल्स, ये आपकी है क्या, पैनक्रिएटिक डक्ट्यूल्स है, ये क्या है, पैनक्रिएटिक डक्ट्यूल्स। अब ऐसे कई पैनक्रिएटिक डक्ट्यूल्स जब इकट्ठी होंगी, आएंगी अलग अलग एसिनी से, और मिलकर बना लेंगे क्या, एक कॉमन डक्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, पैनक्रिएटिक डक्ट हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पैनक्रिएटिक डक्ट। तो कॉमन डक्ट किसको बोला है, जो आपके कई एसिनी से बन के आ रही है, कई एसिनी इसके डक्ट से बन रही है, तो ये हो गई आपकी पैनक्रिएटिक डक्ट, ठीक है, पैनक्रिएटिक डक्ट हुई। इसको आप डक्ट ऑफ विर्सन भी कहते हो, इसको आप डक्ट ऑफ विर्सन जो है वो भी आप इसको कहते हो, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो, यहाँ पे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर डक्ट ऑफ विर्सन के बारे में नहीं दिया गया है। तो पैनक्रिएटिक डक्ट है, अब यही पैनक्रिएटिक डक्ट आगे जाकर मिल जाएगी किसके साथ में, बाइल डक्ट के साथ में, और बनाएगी कॉमन हिपेटो, हम बोलते हैं कि पैनक्रिएटिक डक्ट, जो कि एम्पुला के थ्रू बाहर डुओडेनम में खुलेगी, जहां पे प्रेजेंट होगा आपका क्या, आपका स्फिंक्टर ऑफ ओडी जो है वहां पे प्रेजेंट होता है। तो ये कहानी थी, बिल्कुल ये देखो ये आ रही है यहाँ पे, और ये आकर आपकी एम्पुला जो है वो ओपन हो रहा है,
भैया पिक्चर में आपको क्लियर कट यहाँ पे नजर आ जाएगा, ये देखो क्लियर कट यहाँ पे जो है ओपनिंग हो रही है, ये लीजिए। तो ये है आपका हिपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला जो है यहाँ पर ओपन हो गया, और ये देखो डक्ट ऑफ, ये आपको डक्ट ऑफ विल्सन जो है वो भी नजर आ रही होगी। ये कई सारी छोटी छोटी डक्ट्यूल्स हैं जो आपकी अलग अलग हम बोलते हैं एसिनी से आ रही है और मिलकर क्या बना रही है, एक बड़ी सी पैनक्रियाटिक डक्ट जो है उसको बना रही है इस तरीके से। तो ये है डक्ट ऑफ विल्सन, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, पिक्चर में नजर आ रहा होगा। कभी कभी ना कई कई लोग कंफ्यूज करने के लिए बोलते हैं कि क्या आपको पता है कि इनके पास में कुछ एक और डक्ट भी होती है। बिल्कुल, इनके पास में एक और डक्ट होती है जो सेपरेटली ओपन होती है। ये देखो यहां से एक छोटे से देखो पैनक्रियास के जो लोब्यूल वाला हिस्सा है, यहां से एक और डक्ट आ रही है ये रेड कलर में, इसको हम क्या बोलते हैं, ये है आपकी डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, इसको हम एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं जो कि इस एम्पुला के ऊपर ओपन हो, एम्पुला के ऊपर ओपन होती है। ठीक है, तो ये डक्ट ऑफ सेंटोरिनी है। एनसीईआरटी ने इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया, कुछ भी इसके बारे में नहीं बताया, तो आप इसको याद तो नहीं करेंगे, लेकिन देखो जब भी आप कहीं पिक्चर देखेंगे, गूगल करेंगे, तो वहां पे आएगा, फिर बोलेंगे मैम ने तो हमें बताया ही नहीं, तो भैया बताना जरूरी है इसलिए हम बता देते हैं। ये एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट है जो कि आपकी यहां पर देखो डक्ट ऑफ सेंटोरिनी जस्ट इसके ऊपर खुलती है, सेम उसी हिस्से में, सी शेप डुओडेनम वाले हिस्से के अंदर ही ये आपकी ओपन हो रही है, दिखाई दे रही है ना यहाँ पे, ये ओपनिंग इसकी हो गई। तो ये क्लियर रखेंगे, ठीक है, पिक्चर में बच्चा वो एकदम क्लियर नजर आ रही है। ये देखो रेड कलर से हमने इसको पूरा बना दिया, ये देखो रेड कलर से। तो ये क्या है, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी है जो यहां पे ओपन हो रही है, एकदम क्लियर है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एक्सोक्राइन वाला हिस्सा जो है, इससे हमारे पैनक्रियाटिक जूस जो है वो निकल रहा है, जिसका पीएच कितना होता है, इनका पीएच होता है एल्केलाइन 8.4। पीएच कितना होता है याद रखेंगे, कितना है 8.4, और इसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, तो वो पैनक्रियाटिक एंजाइम तो हम डाइजेशन के टाइम पे पढ़ लेंगे। अभी मेन चीज कि इनका एंडोक्राइन वाला हिस्सा, एंडोक्राइन वाला हिस्सा जो है इसको हम क्या बोलते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस। ये आपको बीच में ब्लूइश कलर का नजर आ रहा है, दिस वन, ये आपको नजर आ रहा है ब्लूइश कलर का, ये क्या है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस, ये आपको नजर आ रहा होगा सेंटर के अंदर, ये है इसका एंडोक्राइन वाला हिस्सा। मैं इसको अलग अलग कलर से आपको दिखा रही हूँ, ये देखो ये वाला नजर आ रहा है, ये है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस इनका एंडोक्राइन पार्ट है, जिसके अंदर कई तरह की आपको सेल देखने को मिलती है, जैसे कि अल्फा सेल, बीटा सेल, और ये अलग अलग हार्मोन को सिक्रीट करती हैं। जो अल्फा सेल होती है ये हार्मोन सिक्रीट करती है जिसका नाम है ग्लूकागोन, ठीक है, ग्लूकागोन। और बीटा सेल जो होती है वो सिक्रीट करती है कौन सा, इंसुलिन, ठीक है। तो अल्फा एंड बीटा सेल यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो आपको नजर आ रही होगी डार्क ब्लू कलर में जो है, दैट इज अल्फा, ये अल्फा है, ग्लूकागोन सिक्रीट करेंगी। और लाइट ब्लू कलर में आपको जो नजर आ रही है ये क्या है, ये है बीटा सेल, जो किसको सिक्रीट करेंगे, इंसुलिन को सिक्रीट करेंगे, ठीक है। तो ये ओनली 1% पार्ट होता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, दोनों एक दूसरे के एंटागोनास्टिक है, दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, एंटागोनास्टिक। अब बोलोगे एंटागोनास्टिक का मतलब उल्टा काम है, ये आपका ग्लाइकोजन क्या करता है, सॉरी ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लूकागोन जो है ये आपका यहाँ पे ब्लड के अंदर, ये क्या करेगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन जो होती है उसको बढ़ा देगा, ठीक है। और इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जो होता है वो ब्लड से ग्लूकोज का जो लेवल होता है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको ये यहाँ पे क्या कर देंगे, कम करने का काम करेंगे। तो एक दूसरे का उल्टा काम कर रहे हैं, एंटागोनिस्टिक है। पूछा जाता है कभी कभी, क्वेश्चन आ जाता है आपके ये हार्मोनल वाले हिस्से में, वैसे हम पढ़ेंगे कि एंटागोनिस्टिक हार्मोन कौन से है, तो ग्लूकागोन एंड इंसुलिन दोनों एक दूसरे का अपोजिट काम करेंगे, और ये आपके पैनक्रियास के इस 1% हिस्से जिसको आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस कहते हैं, यहां से सिक्रीट होता है। दो सेल है अल्फा एंड बीटा, अल्फा ग्लूकागोन रिलीज करती है, बीटा इंसुलिन करती है, और ये हिस्सा हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन वाले में, ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही कहानी है हमारी पैनक्रियाज वाले पोर्शन के अंदर। आपको करना क्या है बच्चा, आपको करना ये है कि सेशन अगर पसंद आता है तो लाइक करना है, बच्चों के साथ में शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब किया तो बहुत बढ़िया, नहीं किया तो फटाफट से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करना है, और पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है तो बच्चा क्या करना होगा, नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा अनअकैडमी नीट का, वहां जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और इसके साथ में और भी जरूरी चीज हम बता दें कि आज हम 9:30 से 10:30 तक आज हम डाइजेशन के क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो जितने भी बच्चे यहां पे बैठे हैं वो क्या करेंगे, स्पेशल क्लास को अटेंड करेंगे 9:30 से 10:30 आज, स्पेशल क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, व्यास कोड अप्लाई करके आपको अपने आप को एनरोल करना होगा बस। तो डाइजेशन के अगर आपको क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि आज हमने ऑलमोस्ट सारा प्रोसेस जो है ग्लैंड वाले तक का हिस्सा हमने कर लिया है, सिर्फ डाइजेशन वाला और डिसऑर्डर वाला हिस्सा हमारा रह जाता है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो आज का हमारा सेशन, जिसमें आपके बहुत सारे और डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, तो उसको ज्वाइन करना पड़ेगा 9:30 से 10:30 बजे, सब मिलेंगे मुझे वहां पे, ठीक है।
सब मिलेंगे एवरीबडी। चलो तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर द ज्वाइनिंग द सेशन पीयूष। आपको ये जो स्लाइड है ये आपको एज इट इज मिल जाएंगी पीडीएफ के फॉर्म में, आपको टेलीग्राम चैनल जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। नायक, अगर आपको सेल का अगर आपको क्विज लेना है तो स्पेशल क्लास के अंदर आप ले सकते हैं कल 6 to 7, टाइम याद कर लो 6 to 7 कल स्पेशल क्लास के अंदर हम सेल जो है उसका क्विज करेंगे, तो आप वहां पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच सोनालिका। चलिए, नायक बता दिया है मैंने कल का। ओके मैम, प्रोटिस्टा में 2 लेक्चर के पीडीएफ सेंड कर दीजिए, प्रोटिस्टा के पीडीएफ। ओके ठीक है, मैं सेंड कर दूंगी। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो टेलीग्राम जो है उसको आप फॉलो करो, एंड देन मैं जो है लिख लूंगी, एंड देन मैं करती हूँ, ठीक है? मैं आज कर दूंगी सेशन, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबडी, नाउ बाय बाय।